रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज हम बनाएंगे तरबूज का शरबत। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप। उसके लिए एक कप चाहिए चीनी, और उसके लिए चाहिए हम डालेंगे इसमें नमक हाफ टी स्पून, सिट्रिक एसिड हाफ टी स्पून, एक चुटकी जर्दे का पीला कलर और एक से डेढ़ कप पानी। पानी डाल के हम इसको चूल्हे पे रख के पका के और हलाते हुए इसकी चीनी मेल्ट करेंगे, और दो बॉईल आने के बाद उतार के इस शुगर सिरप को हम ठंडा करेंगे। ठंडा करके बोतल में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। इसको गर्म यूज़ नहीं करेंगे हम। ये देखें, ये है वो शुगर सिरप जो मैंने आपको अभी बताया। इसको शरबत को तैयार करने के लिए आप एक छोटा सा गिलास लें या किसी बोतल का ढक्कन। अगर आपने एक गिलास बनाना, उसके लिए एक आप छोटा गिलास शुगर सिरप का लेंगे। मैं दो गिलास का बना रही हूँ। आप भी दो गिलास के लिए दो शुगर सिरप के छोटे गिलास लेंगे, और लेंगे रूह अफ़ज़ा, ये भी दो गिलास के लिए दो छोटे हम गिलास लेंगे रूह अफ़ज़ा लाल शरबत। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप शुगर सिरप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल है कि आप ना इसमें ज़्यादा मीठा होगा और ना कम। और अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी आप दो से तीन गिलास डाल सकते हैं, छोटे वाले गिलास। आप बड़े गिलास नहीं लेंगे, ये छोटा सा गिलास लेंगे या कोई बोतल का ढक्कन, और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम लेंगे पका हुआ सुर्ख कलर का तरबूज और साथ में पीसी हुई बर्फ़। बर्फ़ को लेके हम इस आइस क्यूब्स को अच्छी तरह पीस के बारीक कर लेंगे। इसको मोटे नहीं रखना, और ज़्यादा सारी बर्फ़ चाहिए, हमें एक छोटा बॉल चाहिए या आप हसब ज़रूरत। और पका हुआ सुर्ख कलर का हम तरबूज लेंगे। उसको लेके हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैश जैसे करते हैं, ऐसे ही आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे। मोटे क्यूब्स नहीं काटेंगे क्योंकि वो आपको शरबत बनाने में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हम बहुत चूरा करके तरबूज के सुर्ख हिस्सा लेंगे, वाइट हिस्सा नहीं लेंगे। इसको बारीक चूरा करेंगे, और चूरा करने के बाद हम इसमें डाल के खूब अच्छी तरह इसको चिल करेंगे ज़्यादा सारी बर्फ़ के साथ। अगर कम लगे आप बर्फ़ ज़्यादा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और सर्विंग के लिए आप किसी भी तरह के लॉन्ग ग्लास लें। लॉन्ग ग्लास में ये शरबत बहुत मज़े का लगता है। इसके लिए हम कटे हुए क्यूब्स जो हैं शरबत के वो डालेंगे, बर्फ़ के क्यूब्स डालेंगे, और साथ में जो हमारा शरबत तैयार हुआ है वो डालेंगे। और डाल के आप इसके सर्विंग के लिए आप इसको स्ट्रॉ और चम्मच के साथ गिलास में आप अपने मेहमानों को और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रॉ इसलिए कि आप शरबत पियेंगे और चम्मच से अपना तरबूज इंजॉय करेंगे। ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज बनता है, और आप इसको खूब चिल करके इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत फ्रेश लगेगा। आपको गर्मी के मौसम में ठंडा का एहसास देगा और आपकी गर्मी दूर करेगा। अगर आपको ये शरबत पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।